साम दाम दंड भेद की बुलबुल और विजय कर रहे हैं शिव पूजा। शिवरात्रि के मौके पर अपने गांव आए हैं और यहां आकर शिवजी से प्रार्थना कर रहे हैं। बुलबुल विजय की जिंदगी से चले जाने की प्रार्थना कर रही है और विजय बुलबुल को रोकने की। ये शायद हो सकता है कि मेरा विधायक जी की जिंदगी में शायद आखिरी दिनों महाशिवरात्रि का पॉसिबल, तो मैं शिव जी से प्रार्थना भी कर रही हूँ कि आखिरी हो नहीं कि आपको हमेशा खुश रखें। बहुत नाराज हैं बुलबुल और मैं उनको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं मान रही, तो मैं उन्हें कह रहा हूँ कि जानने से पहले फिर तुम जान ही लो कि मेरी सारी सच्चाई क्या है, और अब देखना बस ये है कि जानने के बाद वो हमें अपनाती हैं कि नहीं। यहाँ सीरियल की खलनायिका मंदिरा भी है जो पूजा तो कर रही है मगर कामना कर रही है विजय के दिल पर फिर से विजय पाने की और बुलबुल को विजय की जिंदगी से दूर भगाने की, और इसके लिए उसने पूरी साजिश भी रची है। एंड फाइनली आज इस महाशिवरात्रि के ड्रामा में बुलबुल को सब रिवील हो जाता है कि मतलब मेरा और विजय का कभी रिलेशनशिप हुआ करता था, एंड और भी सारी चीज़ें जो मैंने उसको ज़बरदस्ती थोड़ा झूठ झूठ बताई थी वो सारी चीज़ें भी उसके सामने आ जाती है। सो फाइनली जब उसके सामने आ जाती है तो वो मुझे बोलती है, धमकी देती है कि मैं विजय को जाकर सब सच बता दूंगी, तो मैं बोलती हूँ कि अगर तुमको उसको जाकर सब सच बताना है तो तुम बता सकती हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम दोनों के बीच में बेसिकली एक चैलेंज होता है। शिवरात्रि की ये पूजा किसको फलेगी और किसको नहीं ये तो पता नहीं, मगर हाँ शिव की कृपा से कहानी में कुछ ऐसा मोड़ आएगा कि साम दाम दंड भेद का खेल मंदिरा के लिए खत्म ही हो जाएगा। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।